स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की और डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मेट और कुछ सैम्पल लेटर्स को भी हम देखेंगे कि लेटर राइटिंग कैसे करनी है लेटर uh, जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच हेल्प्स टू फिल द गैप द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द टू पर्सनस तो कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है हमें और आजकल जो है वो ईमेल्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ई कनेक्टिविटी की वजह से लेटर्स जो है वो एक बैक सीट पे आ गए हैं लेकिन फिर भी ये स्टाइल जो है हम यूज़ करते हैं टू राइट द ई मेल्स ऑल्सो तो इसका फॉर्मेट जो है वो आना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो पहले हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लेटर के राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो आ, लेटर जो है इट ब्रिजिस द कम्युनिकेशन गैप यानी कि कम्युनिकेशन में जो कमी होती है उसको फिलअप करता है हमें अगर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उसको लेटर के जरिए भी दे सकते हैं या ईमेल के ज़रिए दे सकते हैं और बड़ी बात यह है कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को हम एक मूड को बूस्ट करने के लिए या उनको इमोशनली कंसील करने के लिए भी लेटर्स लेटर्स जो है वो लिखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे रीजंस क्या है लेटर राइटिंग के क्यों लिखते हैं हम लेटर तो फ्रेंडली लेटर लिखते हैं दोस्तों को किसी से माफ़ी मांगने के लिए लिख सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं किसी को लेटर या अगर हमें कोई कंप्लेंट करनी है या हमें किसी को कुछ परसवेट uh, करना है यानी किसी को कुछ समझाना है या मनाना है उसके लिए भी हम लेटर लिखते हैं थैंक यू लेटर्स लिखते हैं हम अगर हमें किसी को कुछ शुक्रिया करना है तो देर आर डिफरेंट रीजन्स टू राइट अ लेटर तो लेटर जो है इसका पर्पज़ क्या है तो so, लेटर का पर्पज़ है टू हैव अ कॉन्टेक्ट विद समन किसी के साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहे वो किसी तरह का भी हो तो so, जो एक लेटर है उसको अगर हम देखें तो उसके फाइव पार्टस होते हैं मेन मेन फाइव पार्टस उसमें एक हेडिंग होती है फिर उसमें ग्रीटिंग होती है यानी हम हेलो हाई या जो भी हम बोलते हैं वो होती है फिर बॉडी होती है फिर क्लोजिंग होती है और सिग्नेचर होता है लास्ट में अगर लेटर्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो लेटर्स आर डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप्स फर्स्ट इज़ फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर दोनों में क्या फ़र्क है फ़र्क यह है कि फॉर्मल लेटर्स जो हैं ये हम ऑफिस uh, या बिजनेस लेटर्स जो है वो इसमें लिखते हैं जबकि इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं तो ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो और इनको एक्सप्लेन करें तो इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल लेटर्स ठीक है इनफॉर्मल यानी पर्सनल तो हम यूजुअली ये फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स या अपने जानने वालों को लिखते हैं और ये लेटर जो है इनको लिखने की कोई स्पेसिफिक वजह वजह जो है वो नहीं होती है हम ऐसे भी इंफॉर्मेशन देने के लिए या हालचाल पूछने के लिए ये लेटर्स जो है वो लिखते हैं तो लेटर्स जो हैं इनको हम अगर देखें तो पर्सनल लेटर्स हैं अपने से बड़ों को लिखे जाते हैं फैमिलीस में लिखे जाते हैं सोशल लेटर्स भी हो सकते हैं यानी अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं जो या इनविटेशन देने के लिए या कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है बुरा किसी के साथ तो कंडोलेंस के लिए भी हम लेटर जो है वो लिखते हैं कभी कभी हम थैंक यू लेटर्स दिखते हैं जैसे कि अगर हमें किसी ने गिफ्ट भेजा है या कुछ और आ, हमारे साथ कुछ अच्छा किया है तो हम उसके हमें मोटिवेट किया है तो हम उसके लिए भी थैंक यू लेटर्स जो हैं वो लिखते हैं तो ये सारे लेटर्स जो हैं इनको हम इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं तो ऐसे ही इनफॉर्मल में जो है वो हम आ, अपने इनविटेशंस जैसे मैरिज इन्विटेशन या बर्थडे पार्टी इन्विटेशन्स ये सारे लेटर्स भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं बहुत बार हम पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं ताकि हमें अगर हमें कुछ चाहिए उनसे तो ये भी हम इन फार्मल लेटर्स में ही इंक्लूड करते हैं दूसरी कैटेगरी है जो वो है फॉर्मल लेटर्स की और फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो हम बिज़नेस लेटर्स इनको बोल सकते हैं ये किसी तरह की सर्विसेज के लिए लिखे जा सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए लिखे जा सकते हैं या हमें कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है या कुछ करना है तो इन सब लेटर्स को हम उसमें कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि ये फॉर्मल लेटर्स है फॉर्मल लेटर्स जो है ये बहुत शॉर्ट होते हैं टू द पॉइंट होते हैं इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये फीलिंग्स जो हैं हम वो सिर्फ इन फार्मल लेटर्स में ही एक्सप्रेस करते हैं तो फॉर्मल लेटर्स जो हैं ये एडिटर को लिखे जा सकते हैं न्यूज़पेपर एडिटर्स को या फिर आप पोस्टमैन को लिख सकते हो या पुलिस स्टेशन में लिख सकते हो या मुंसिपल कॉरपोरेशन में लिख सकते हो अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन को लिख सकते हो तो ये सारे लेटर्स जो हैं ये फॉर्मल लेटर्स आएंगे तो फॉर्मल लेटर्स जो हैं ये किसी इंस्टीट्यूशन को लिखे जाते हैं वो जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ ऑफ पब्लिक अवेलेबिलिटी उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स क्या हैं लेटर राइटिंग के तो अगर एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में लेटर हाँ, राइटिंग में ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है एक्सेप्ट कि इन फॉर्मल लेटर्स में जो है हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं और हम रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते हैं जबकि फॉर्मल लेटर्स में हम ये दोनों चीज़ें लिखते हैं तो इसके अगर एलिमेंट्स डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लेटर में सेंटर का एड्रेस लिखते हैं यानी कौन भेज रहा है उसके बाद हम डेट लिखते हैं फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं जिसमें माई डियर या रिस्पेक्टेड सर या जो भी हम लिखते हैं उसके बाद हम कंटेंट लिखते हैं जो कि बॉडी में आता है जो फॉर्मल लेटर्स का कंटेंट uh, होता है वो बहुत ही स्पेसिफ़िक और टू द पॉइंट होता है क्योंकि वो बिज़नेस लेटर्स होते हैं उसमें हम अपनी फीलिंग्स ऐड नहीं करते हैं जबकि जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को लिखे जाते हैं उनमें हम अपनी फीलिंग्स uh, को ऐड कर सकते हैं टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं उनको या फिर हम थोड़ा सा उनको डिटेल भी कर सकते हैं थोड़ी अपनी एक्सप्लनेशन uh, भी दे सकते हैं तो ये हो गया कंटेंट का फ़र्क या बॉडी का फ़र्क जो कि फॉर्मल uh, और इनफॉर्मल लेटर्स में होता है इसके बाद बारी आती है कॉन्क्लूडिंग लाइन्स की तो कंक्लूडिंग लाइन्स जो हैं इनमें हम लिखते हैं जैसे विद रिगार्ड्स या थैंकिंग यू तो ये यूजुअली बॉडी जब खत्म हो जाती है जो कि हम तीन पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं बॉडी को तीन पैराग्राफ्स उसमें लिखते हैं जब वो ख़त्म हो जाती है फिर एक लाइन छोड़ने के बाद जो है हम ये कॉन्क्लूडिंग uh, लाइन्स जो है वो लिखते हैं जैसे विद रिगार्ड्स या थैंकिंग यू इसके बाद नीचे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखते हैं उसमें हमारा आ जाता है जैसे यूअर्स फेथफुली या यूअर्स लविंगली या यूअर्स ओबिडेंटली ये जितने भी वर्ड्स हम लिखते हैं ये हमारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आते हैं उसके बाद नीचे जो थर्ड लास्ट uh, जो होता है दैट इज़ सिग्नेचर लाइन और सिग्नेचर लाइन में हम अपना नाम या अपना टाइटल या डेजिग्नेशन जो है वो लिखते हैं तो अगर फॉर्मल लेटर का एड्रेस जो है जो हमने सेंडर एड्रेस जो पहले डिस्कस किया है तो उसमें और इनफॉर्मल लेटर का जो एड्रेस है सेंडर एड्रेस उसमें बहुत फ़र्क होता है क्योंकि जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें डेजिग्नेशन और फिर कंपनी का नाम फिर उसके बाद लेन नंबर और वो सब कुछ आता है जबकि इनफॉर्मल लेटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें हम डेजिग्नेशन वगैरह नहीं लिखते हैं हम सीधा ही डायरेक्टली हम क्या करते हैं एड्रेस जो है वो लिख देते हैं उसके बाद बात आती है डेट की जो डेट हम लिखते हैं वो दोनों में एक जैसी ही होती है डेट लिखने के दो तरीके होते हैं और डेट जो है वो जब हम सेंटर का एड्रेस लिख देते हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं डेट लिखते हैं तो डेट लिखने में डेट मंथ और ईयर या फिर मंथ डेट एंड ईयर इस तरीके से उसको लिखा जाता है और जो हम मंथ का नाम लिखते हैं वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए उसको हाफ लिख के नहीं छोड़ना चाहिए और मंथ के बाद हमें कॉमा लगाना है ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं मंथ के बाद हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं यह सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में होता है रिसीवर uh, का एड्रेस और सब्जेक्ट ये दोनों चीज़ें हम सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं जबकि इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखते हैं तो रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही छोटा छोटा होना चाहिए कंसाइज होना चाहिए ये चार पाँच वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये पूरा एक्सप्लेन करता है कि हम हम जो लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल उसकी क्या वजह है उसका रीज़न क्या है उसके बाद आती है सैल्यूटेशन जो हमने डिस्कस किया सैलुटेशन में हम जैसे लिखते हैं डियर फादर या डियर ब्रदर या सर रिस्पेक्टेड सर या मैडम तो ये सारे जो हैं ये सैल्यूटेशन में आते हैं ये वर्ड्स तो सैल्यूटेशन जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए अलग अलग होती है तो सैल्यूटेशन जो है ये एक तरह की ग्रीटिंग है ठीक है जब कोई किसको जो लेटर को रिसीव करता है उसके लिए ये ग्रीटिंग होती है और ये डिपेंड करती है वेरी करती है फ्रॉम रिसिपियंट टू रिसिपियट यानी कौन उसको लेटर को ले रहा है अगर इनफॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे करें और उसमें ब्लड रिलेशन्स जो है आपसे अगर बड़े हैं तो हम रिस्पेक्टेड फादर रिस्पेक्टेड अंकल या आंट कुछ भी हम वो है वो लिखते हैं जबकि ब्लड रिलेशन्स में जो आपसे छोटे हैं उनको आप माय डियर डायरेक्टली नाम लिख सकते हो या माय डियर ब्रदर लिखते हो और अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं इसमें आप माय डियर फ्रेंड या उसका नाम लिख के आप उसको जो है सैल्यूटेशन uh, जो है वो देते हो और फॉर्मल लेटर्स में जो आपने सपोज एडिटर को लिखा है या गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखा है तो या फिर आपने शॉपकीपर बिजनेसमैन मैन को लिखा है तो उसमें आप सर या मैडम लगाते हो जबकि अगर आपके प्रिंसिपल्स एंड हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उसमें आप रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो है वो लिखते हो इसमें ध्यान ये देना है कि लेटर्स जो आप लिख रहे हो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका ध्यान रखना है कि कैपिटल कहाँ पे लिखने हैं स्मॉल कहाँ पे लिखने हैं और कॉमा कहाँ लगाना है उसके बाद बारी आती है बॉडी की बॉडी में आपको जो है ये हमने अभी जैसे बताया मैंने पहले भी आपको कि बॉडी को हम डिवाइड करते हैं इंटू थ्री पैराग्राफ्स ठीक है इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है जब हम बॉडी लिखते हैं तो एक लाइन छोड़ते हैं उसके बाद सैलूटेशन के बाद और फिर बॉडी शुरू करते हैं बॉडी जो है इसमें आप पूरा अपनी बात बताते हो कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है एक्सप्लेन करते हो इसमें तीन पैराग्राफ्स हम लिखते हैं जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें हम सबसे पहले मेन पॉइंट बताते हैं कि हमने ये लेटर क्यों लिखा है दूसरा पैराग्राफ जो होता है उसमें हम अपने लेटर लिखने की वजह को जस्टिफाई करते हैं रीज़न बताते हैं कि हम ये लेटर जो लिख रहे हैं इसकी इसकी ज़रूरत क्यों है और थर्ड जो है हम उस पूरे लेटर को कंक्लूड करते हैं जैसे कि आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स है ना ऐसे करके जो भी हम लाइन्स लिखते हैं इनको हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ में डाल देते हैं और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बाद हम एक लाइन जो है वो छोड़ते हैं और उसके बाद हम कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं तो आ, हमें ध्यान रखना होता है कि तीनों पैराग्राफ के बीच में एक एक लाइन जो है वो छोड़नी है कंक्लूडिंग लाइन जो है वो फ्रेंड्स के लिए जैसे विद बेस्ट रिगार्ड्स या विद लव एंड रिस्पेक्ट फिर बेस्ट विशेज थैंकिंग यू है ना यूअर्स लविंगली ये सारे हमने जो है ये हमने लिखे हैं कंक्लूडिंग लाइन में कंक्लूडिंग लाइन के बाद जो है वो आपका आ जाता है आगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर यानी एक तरह का पोलाइट वे है अपने लेटर को खत्म करने का तो इसमें हम अब ज्यादातर यूर्स फेथफुली लिखते हैं अगर हम अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो यूअर सिंसियरली या यूअर्स अफेक्शनेटली या यूअर्स लविंगली लिखते हैं इसमें वाई जो है वो कैपिटल लेटर कैपिटल में होता है बाकी उसके बाद जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो हम स्मॉल में लिखते हैं और उसके बाद अगर ये इनफॉर्मल में uh, है अगर फॉर्मल में हो प्रिंसिपल को तो हम यूअर यूअर्स ओबीडियटली या यूअर्स फेथफुली लिखते हैं या फिर हम अगर स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं या मैगजीन एडिटर्स को भी लिख रहे हैं तब भी हम उसमें यूअर्स फेथफुली या यूअर फेथफुली ही लिखते हैं तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जो है उसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है और बाकी जितने भी शब्द लिखे जाते हैं या वर्ड्स लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर में या स्मॉल साइज के या स्मॉल लेटर हम जिसको बोलते हैं वो लिखे जाते हैं सिग्नेचर लाइन जो है वो लास्ट पार्ट होता है आपके लेसन का सॉरी uh, लेटर का इसमें हम सेंडर जो है वो अपना नाम लिखता है और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखता है अगर कोई आप ऑफिशियल हेड हो या किसी के या आप ऑफिस लेटर है या कोई बिजनेस आपका कार्ड है तो आप नीचे अपना टाइटल भी वो जो है वो लिख सकते हैं या पोस्ट लिख सकते हैं सेंडर जो है अपनी पोस्ट लिख सकता है अगर उसको ठीक लगे तो अब हम देखते हैं सैम्पल्स तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ये इनफॉर्मल लेटर है यानी कि इनफॉर्मल में क्या सैम्पल कैसा है जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है टेन बाय वन ई करोल बाग दिस इज़ द एड्रेस न्यू डेली आ, इंडिया फिर अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये पूरी डेट है इसमें एड्रेस है विद पिन कोड फिर डेट है उसके बाद लाइन छोड़नी है लाइन छोड़ने के बाद आपने सैल्यूटेशन देनी है या ग्रीटिंग्स देनी है जिसमें आपने डियर जो भी नाम है या डियर फादर है या माई डियर जो भी आपने वो लिखना है वो आप लिखोगे उसके बाद आपने बॉडी लिखनी है बॉडी जो है इसको हमने डिवाइड किया है इनटू थ्री पार्ट्स तो हर पैराग्राफ जो है उसके बाद एक लाइन जो है आपने छोड़नी है इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें आप देख सकते हो कि पर्सनल फीलिंग्स भी जो है वो लिखी गई है सेकेंड पैराग्राफ जो है उसके बाद और या और उससे पहले दोनों टाइम पे एक एक लाइन जो है वो छोड़ी गई है और थर्ड जो पैराग्राफ है वो कंक्लूडिंग है जिसमें लाइंस uh, आती हैं जैसे गिव माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू योर सिस्टर प्लीज स्टे सेफ एंड डू नॉट स्टेप आउटसाइड योर हाउस अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी उसके बाद नीचे जो है ये आप हमने क्लोजिंग लाइंस हैं यूअर लविंग फ्रेंड और उसके बाद नीचे uh, अपना जो है वो साइन uh, है या सिग्नेचर है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जैसे तो ये हो गया इनफॉर्मल uh, लेटर का अब है फॉर्मल लेटर तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले ऊपर सेंटर एड्रेस होता है सेंडर एड्रेस जो है वो एक्सट्रीम आपका राइट में है उसके नीचे आपकी डेट आती है उसके बाद आपका रिसीवर का एड्रेस आता है जैसे कि मिस्टर गुप्ता यहाँ पे जैसे लिया हुआ है फॉर्म जो फॉर्मेट है उसमें दिया हुआ है तो नाम मिस्टर गुप्ता दिया हुआ है उसके बाद उनका टाइटल दिया है या डेजिग्नेशन उनकी है फिर बैंक का नाम है फिर जगह का नाम है फिर उसके बाद उनकी सैल्यूटेशन है सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने वाली हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी है और रिसीवर भी है जबकि पिछला जो हमने डिस्कस किया है इनफॉर्मल का फॉर्मेट देखा है उसमें ना तो हमने सब्जेक्ट लिखा था और ना ही हमने रिसीवर का एड्रेस लिखा था उसके बाद बारी आज फिर सैल्यूटेशन के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है उसके बाद आपने बॉडी स्टार्ट करनी है बॉडी जो है दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन टू थ्री पैराग्राफ्स जब तीन पैराग्राफ इसके जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट है ना ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ आ गया इसमें आपने डायरेक्टली मेंशन किया है कि आपने ये चिट्ठी क्यों लिखी है दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें आपने बताया है कि आपने इसके साथ जो है वो आपकी चिट्ठी जो लिखने की ज़रूरत जो थी इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों है आपको क्यों ये चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी है उसके बाद थर्ड आपने ये लिखा है थर्ड पैराग्राफ जो है वो भी एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है और उसमें आपने ये अपने बताया है ये भी प्रिसाइज है बिल्कुल टू द पॉइंट है जिसमें आपने बताना है कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी चिट्ठी के साथ लगाई हैं उसके बाद आ जाता है नीचे आपका क्लोज क्लोजिंग लाइन्स हैं जिसमें थैंकिंग यू है उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है जिसमें आपने यूर सिंसेयरली लिखा है और उसके बाद जो नीचे लाइन है उसमें आपने अपना नाम या साइन जिसको हम बोलते हैं वो लिखे हैं और नीचे डेजिग्नेशन जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन और टाइटल जो है वो दिया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपर तो ये सारा है हमारा आज का जो हमने डिस्कस किया है कैसे हमने लेटर लिखना है क्या क्या उसमें हमें चीज़ें फॉलो करनी है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी आया है या कोई प्रॉब्लम है आपको कहीं कुछ मुश्किल uh, आ रही है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड टिल देन स्टे सेफ एट योर प्लेस एंड बी हैप्पी